गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोएल्केन के जो रासायनिक गुण है उसके अंदर उसका जो पहला रासायनिक गुण है जो हेलोएल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वो कंप्लीट की थी। पहले अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में दो क्रियाविधियां बताई थी SN1 और SN2 और फिर अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के 12-13 एग्जाम्पल्स किए थे कि हेलोएल्केन है वो किन किन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है और कौन कौन से उत्पाद बनाता है। आज अपन हेलोएल्केन के दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे जो है हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में से छोटे अणु का बाहर निकलना। किसी कार्बनिक यौगिक में से छोटे अणु जैसे HX, H2O, आदि का बाहर निकलना विलोपन कहलाता है। तो विलोपन का मतलब होता है किसी कार्बनिक यौगिक में से छोटे अणु का बाहर निकलना, यानी यहां से छोटे अणु का क्या होगा, विलोप होगा, इसलिए इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और यहां अपन को विलोपन अभिक्रिया पढ़नी है किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए। हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु के रूप में HX बाहर निकलता है। तो है अपना यहां पे यौगिक है, कार्बनिक यौगिक कौन है, हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु के रूप में कौन बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा। इसलिए हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया को हाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहा जाता है। तो हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु के रूप में HX बाहर निकलता है, इसलिए हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। अब देखो किसी में HX का जुड़ना, किसी में HX का जुड़ना वो कहलाता है हाइड्रो हैलोजनीकरण। जैसे अपन ने हेलो एल्केन बनाने की विधि में
एल्कीन का करवाया था हाइड्रो हेलोजनीकरण, जिसमें मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ के नियम भी किए थे। तो वहां एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण था, यानी वहां एल्कीन में HX का अणु जुड़ा था, और यहां हेलो एल्कीन में से HX का अणु क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यहां हेलो एल्कीन में से HX का अणु क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो HX का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। तो हेलो एल्कीन की विलोपन अभिक्रिया को अपन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया, या कह दीजिए हेलो एल्केन का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। हेलो एल्केन का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब देखिए ये किस प्रकार से होगा। यदि किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्षार से करवाई जाती है, तो हेलो एल्केन में से HX का अणु बाहर निकल जाता है, जिससे उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है। तो देखिए यहां पे पहली कंडीशन क्या है कि विलोपन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। हेलो एल्केन में क्या होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहां से निकलेगा क्या, HX, और विलोपन अभिक्रिया में जो HX का जो हाइड्रोजन है, HX का हाइड्रोजन वो हमेशा बीटा कार्बन से जाता है। HX का हाइड्रोजन हमेशा कहां से निकलता है, बीटा कार्बन से। इसलिए हेलो एल्कीन में क्या होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्कीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी एल्कोहलिक क्षार के साथ। अब देखो, अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किया था, वहां पे अपन ने हेलो एल्केन की क्रिया करवाई थी जलीय क्षार के साथ। किसके साथ, जलीय क्षार के साथ। और यहां अपन हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्कोहलिक क्षार के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय क्षार से करवाते हैं तब तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है और उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। और जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया अपन एल्कोहलिक क्षार से करवाते हैं तब होता है विलोपन अभिक्रिया या वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक क्षार से करवाएंगे, तो हेलो एल्केन में से HX का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे विलोपन हो जाएगा, या कह दीजिए वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाएगा, और HX का अणु बाहर निकल जाएगा, तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी क्या, एल्कीन। तो इस प्रकार थोड़ा सा गौर कीजिए, अपन ने हेलो एल्केन बनाने की विधियों में किया था एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण, जिसमें मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ के नियम किए थे, तो वहां पे अपन ने एल्कीन में HX का अणु जोड़ा था, तो एल्कीन में HX का अणु जोड़ देंगे तब तो अपन को प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन, और यहां अपन हेलो एल्केन में से HX का अणु क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हेलो एल्केन में से HX बाहर निकल जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन। तो एल्कीन में HX जोड़ेंगे तो हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में से HX बाहर निकाल देंगे तो एल्कीन। तो इस प्रकार हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। तो देखिए अब अपन इसकी समीकरण लिखते हैं, ये अपन ने ले लिया हेलो एल्केन सीएल के लिए क्लोरो, दो कार्बन के लिए एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्लोरो एथेन। अब हेलो एल्केन होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन युक्त। अब देखो यहां पे बीटा हाइड्रोजन है या नहीं, ये देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा, और अल्फा के पास वाला बीटा, तो ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तीन, तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन। तो इस हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। अब यहां अपन इसकी अभिक्रिया कराएंगे क्षार, और क्षार कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक, क्षार कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए या आप या इसके अगला अपन को ये दे सकता है NaOH, और NaOH के साथ में क्या दे दे, एल्कोहल दे दे कोई, तो ये एल्कोहलिक क्षार हो गया। तो यहां अपन ने क्लोरोएथेन की अभिक्रिया कराई है एल्कोहलिक क्षार के साथ। तो देखिए विलोपन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले यहां से हेलोजन निकलेगा, हेलोजन जाएगा कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से, हेलोजन तो जाएगा अल्फा कार्बन से, और अपन ने कहा था कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कौन से कार्बन से निकलता है, बीटा कार्बन से, तो हेलोजन तो जाएगा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन जाएगा बीटा कार्बन से। इस प्रकार HX का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर। देखिए किस प्रकार, यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है, तो कार्बन और क्लोरीन में विद्युत रिक्तता किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, क्लोरीन, और ये निकल जाएगा किसके रूप में, Cl- के रूप में। अब अल्फा कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब इस अल्फा कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए, अल्फा कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए, ये जो बीटा कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां पर, जिससे अल्फा कार्बन का प्लस क्या हो जाएगा, उदासीन, और यहां सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा किसके रूप में, एच प्लस के रूप में। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया सीएल माइनस के रूप में, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया एच प्लस के रूप में। तो इस प्रकार HX का अणु बाहर निकल गया,
यानी HCl का अणु बाहर निकल गया, तो ये हो गया विलोपन या कह दीजिए वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3 की जगह क्या बचा, CH2। इसने यहां इलेक्ट्रॉन दे दिए थे तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और यहां है CH2, इसका प्लस उदासीन हो गया था, तो ये अपन को उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ दो कार्बन के लिए H और डबल बॉन्ड के लिए ईन। तो कौन सी एल्कीन प्राप्त हो गई, एथीन। तो उत्पाद के रूप में अपन ने कहा था एल्कीन प्राप्त होगी, तो ये एल्कीन हो गई। अब देखिए यहां से HX का अणु बाहर निकल गया, अब ये जो Cl- है यहां अपन ने लिया था एल्कोहलिक क्षार, क्या लिया था एल्कोहलिक क्षार लिया था। अब NaOH में सोडियम धातु है तो इस पे प्लस, OH पे माइनस। अब यहां से जो हैलोजन निकला था Cl-, ये Cl- तो लग जाएगा Na+ के साथ, Na+ Cl- क्या हो जाएगा NaCl, और यहां से जो बीटा कार्बन से H+ निकला था ये H+ चला जाएगा क्षार के OH- के साथ, तो ये बन गया H2। तो ये हेलोएल्केन की क्या है, विलोपन अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया किसके साथ होती है, एल्कोहलिक क्षार के साथ। अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगा जो सोडियम के साथ NaCl, बीटा कार्बन से H+ निकलेगा जो OH- के साथ जल बना देगा, यानी हेलो एल्केन में से HX का अणु क्या निकल गया, बाहर निकल गया, इसलिए इसको विलोपन या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कह सकते हैं। अब देखिए यहां जो H+ है HX का, H+ वो हमेशा कौन से कार्बन से बाहर निकलता है, बीटा कार्बन से, ठीक है, तो इसलिए इसको बीटा विलोपन भी कहा जाता है। HX का H+ हमेशा बीटा कार्बन से बाहर निकलता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। अब देखो यहां हैलोजन तो बाहर निकला अल्फा से और हाइड्रोजन बाहर निकला बीटा से, इसलिए इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहा जाता है। हैलोजन अल्फा से निकला, हाइड्रोजन बीटा से, इसलिए इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहा जाता है। अब देखिए अब अपन इसकी देखेंगे क्रियाविधि, अब अपन यहां पे इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे। इस समीकरण को मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं,
ये आपकी हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया क्या है, समीकरण है। अब देखिए, अब अपन इसकी क्रिया विधि देखते हैं कि ये किस प्रकार होती है। यहां सबसे पहले जो क्षार है NaOH, ये NaOH है, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरोएथेन है आपका हेलो एल्केन, इसके अल्फा कार्बन से चला जाएगा Cl माइनस, क्योंकि यह कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस, Cl पे माइनस, तो CH3CH2 प्लस और ये निकल गया Cl माइनस। अब यहां दूसरे स्टेप में आप देख सकते हो, यहां बना है कार्बो केटाइन, क्या बना है, कार्बो केटाइन बना CH3CH2 एथिल और कार्बन पे प्लस है तो कार्बो केटाइन, तो ये बन गया एथिल कार्बो केटाइन। तो हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बो केटाइन बनता है। आगे अपन करेंगे विलोपन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम। तो हेलो एल्केन की विलोपन के लिए क्रियाशीलता है वो डिपेंड करेगी किस पे, कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे। क्यों, क्योंकि यहां पर मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। जैसे आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में देखा था SN1 में, SN1 कितने पदों में थी, दो पदों में, और उसका जो पहला वेग निर्धारक पद था वहां पे बना था कार्बोकेटायन, इसलिए SN1 की जो क्रियाशीलता है वो कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। वैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो हेलो एल्केन की जो विलोपन अभिक्रिया है उसके लिए जो क्रियाशीलता है वो भी डिपेंड करेगी कार्बोकेटायन के स्थायित्व। अब देखिए, तो दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया। अब तीसरे स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन है यहां इस कार्बन पे प्लस है, तो इस कार्बन के प्लस को उदासीन करने के लिए, अब प्लस वाला कार्बन हो गया अल्फा और इसके पास वाला बीटा, तो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसने यहां इलेक्ट्रॉन दिए तो ये प्लस उदासीन हो गया, और यहां सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आ गया मुख्य उत्पाद, एथीन बना था ये एथीन आ गया, और यहां से निकल गया बीटा कार्बन से H प्लस। तो आप देख रहे हो दूसरे स्टेप में अल्फा कार्बन से निकल गया Cl माइनस यानी हाइड्रोजन, और तीसरे स्टेप में बीटा कार्बन से निकल गया H प्लस, तो हेलो एल्केन से HX का अणु बाहर निकल गया। अब देखिए, मुख्य उत्पाद एथीन तो बन गया, अब साथ में क्या है, NaCl और H2O। तो देखिए, यहां दूसरे स्टेप में जो Cl माइनस निकला था वो तो क्रिया कर लेगा Na प्लस से, तो Na प्लस Cl माइनस, तो ये बन जाएगा NaCl, और जो यहां से H प्लस निकला था वो लग जाएगा OH माइनस के साथ, तो H प्लस OH माइनस, ये बन जाएगा क्या, H2O। तो इस प्रकार आप देख सकते हो
ये हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार होती है। अब देखिए, अब अपन करेंगे विभिन्न हेलोएल्केन का विलोपन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम। तो अभी अभी अपन ने देखा कि विलोपन अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। इसलिए हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया की क्रियाशीलता हेलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया क्रियाशीलता है वो समानुपाती होगी किसके? समानुपाती होगी कार्बोकैटायन के स्थायित्व, यानी जिस हेलोएल्केन से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा उस हेलोएल्केन की विलोपन के लिए क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अब अपन को पता है कि विभिन्न विभिन्न कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार होता है। ये है एथिल कार्बोकैटायन, यहां प्लस वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है तो ये है 1 डिग्री। ये है आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, यहां प्लस वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है तो ये है 2 डिग्री। और यहां प्लस वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है तो ये है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, और ये है कैसा 3 डिग्री। तो ये विभिन्न कार्बोकैटायन ले लिए। अब अपन ने SN1 में बताया था कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व है वो समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। इसके समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के, तो जिसमें जितना ज्यादा प्लस आई होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्थाई होगा। तो प्लस आई प्रभाव किसका होता है? एल्किल समूह का। किसका होता है? एल्किल समूह का। तो यहां आप देख रहे हो प्लस वाले कार्बन के साथ 3 मेथिल समूह लगे, तो
तो यहाँ प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्थाई होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां प्लस वाले कार्बन से दो CH3 लगे तो फिर 2 डिग्री आएगा और सबसे कम स्थाई होगा 1 डिग्री। यहां प्लस वाले कार्बन से एक CH3 लगा, तो ये विभिन्न कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम है। तो देखिए जो हेलोएल्केन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा वो होगा विलोपन अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील। बाद में वो हेलोएल्केन जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा और बाद में वो हेलोएल्केन जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। तो देखिए यहां प्लस की जगह कर दीजिए हेलोजन, यहां प्लस की जगह कर देंगे हेलोजन, तो ये क्या हो गए, ये अपने विभिन्न हेलोएल्केन हो गए। एथिलहैलाइड ये आइसोप्रोपिलहैलाइड और ये तृतीय ब्यूटिल हैलाइड, तो इनका विलोपन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम ये वाला हो जाएगा। ये तृतीय ब्यूटिल हैलाइड है तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा 3 डिग्री, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील। ये 2 डिग्री है तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा 2 डिग्री, इसके बाद में ये, और ये है 1 डिग्री हेलोएल्केन तो ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो सबसे कम क्रियाशील विलोपन के लिए होगा 1 डिग्री। तो ये किसके लिए क्रियाशीलता क्रम है, विलोपन अभिक्रिया के लिए। तो देखिए आप देख सकते हो कि हेलोएल्केन का ये जो क्रियाशीलता क्रम है ये SN1 से समानता दर्शाता है। किससे समानता दर्शाता है, SN1 से, क्योंकि SN1 में भी मध्यवर्ती क्या बना था, कार्बोकैटायन, इसलिए वहां पे भी सबसे ज्यादा क्रियाशील था 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, और विलोपन अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए विलोपन अभिक्रिया में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री और बाद में 1 डिग्री। तो विलोपन अभिक्रिया और SN1 इन दोनों का जो क्रियाशीलता क्रम है वो विभिन्न हेलोएल्केन के लिए क्या है, एकदम समान है। तो ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। अब देखो मान लो अपन ऐसे हेलोएल्केन ले लें जिनमें कार्बन श्रृंखला समान हो और हेलोजन क्या हो, अलग अलग, RF, RCl, RBr, RI, यहां कार्बन श्रृंखला समान है, हेलोजन क्या है, अलग अलग है, तो इनका अपन विलोपन के लिए क्या लिखें, क्रियाशीलता का क्रम। तो आपने विलोपन में देखा था सबसे पहले अल्फा कार्बन से क्या निकलता है, हेलोजन निकलता है। सबसे पहले अल्फा कार्बन से क्या निकलता है, हेलोजन। तो इनमें आप देख सकते हो हेलोजन ही अलग अलग है, तो यहां पे उस हेलोएल्केन की क्रियाशीलता विलोपन के लिए ज्यादा हो जाएगी जिसका हेलोजन आसानी से बाहर निकलेगा। अब इनमें से किसका हेलोजन आसानी से बाहर निकलता है, जिसका CH बंद है वो सबसे कमजोर है, और आपको पता है CH बंद सबसे कमजोर कौन सा होता है, CI, क्यों, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है तो बंद लंबाई ज्यादा, बंद लंबाई ज्यादा तो बंद प्रबलता कम, यानी ये दुर्बल होगा, इसलिए CI बंद है वो आसानी से टूट जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील विलोपन के लिए होगा आयोडो एल्केन, फिर ब्रोमो एल्केन, फिर क्लोरो एल्केन, और सबसे कम क्रियाशील होगा फ्लोरो एल्केन। कारण है फ्लोरीन का आकार इनमें सबसे छोटा है तो बंद लंबाई कम होगी तो बंद प्रबलता ज्यादा होगी, तो ये बंद है वो सबसे अधिक मजबूत होगा। अब मजबूत बंद होगा तो CF बंद है वो आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो ये आ गया आपका विलोपन अभिक्रिया के लिए
क्रियाशीलता का क्रम विभिन्न हेलोएल्केन के। अब देखो ये हेलोएल्केन है CH3Cl। अब ये हेलोएल्केन विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, ये हेलोएल्केन विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। अब क्यों नहीं दर्शाएगा? अपने कहा था कि हेलोएल्केन में क्या होना चाहिए, विलोपन के लिए बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। तो इस हेलोएल्केन में बीटा कार्बन ही नहीं है। अब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है? अल्फा होता है, यानी इसमें बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो ये विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ये है नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या है ये? नियोपेंटिल क्लोराइड। अब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अब अल्फा के पास वाला बीटा, ठीक है, हेलोजन से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, यानी यहां देखो बीटा कार्बन तो है, यहां बीटा कार्बन तो है, लेकिन बीटा कार्बन के साथ क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अब बीटा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये भी विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाए। तो इसमें तो बीटा कार्बन ही नहीं है तो विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसमें बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये भी विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। अब विलोपन अभिक्रिया में एक टॉपिक और बचा है, सेट जेफ का नियम, वो अपन करेंगे अगली क्लास। धन्यवाद।